गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.com. हमारे यहाँ के जस्टिस ने लोगों की हिफाजत के लिए पूरी जिम्मेदारी दो लोगों पे दी है. बॉर्डर की जिम्मेदारी है आर्मी के ऊपर है, मिलिट्री के ऊपर, और देश की अंतर्गत जो जिम्मेदारी है वो पुलिस के ऊपर दी हुई है. लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि सोमवार के दिन सुबह के वक्त मुंबई से जयपुर जाने वाली सुपरफास्ट गाड़ी के अंदर एक पुलिस वाले ने वहाँ पर आकर चार लोगों को बिना कारण निर्दोष लोगों को उसने गोली मार दी है. वो उसका नाम चेतन सिंह है. हम उस चेतन सिंह का निषेध एहतजाज करते हैं क्योंकि पुलिस का काम रक्षा करने का होता है, लेकिन वो रक्षा के वहाँ पर भक्षक बन गया है. और गोली मारने के बाद में उसने वहाँ पर एक बात कही है, उसने एक राष्ट्रीय पक्ष के दो बड़े कद्दावर नेता लोगों का नाम लिया है कि अगर तुम इसको इनको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें इसी तरह मारेंगे. हम इसका ऐसा निषेध करते हैं. और आज हमने जलगांव जिला कलेक्टर साहब की जानिब से महामहिम राष्ट्रपति साहिबा, भारत सरकार, नवी दिल्ली, इनको निवेदन भेजा है. उसमें हमने ये डिमांड की है, ये मांगने की है कि ये जो शख्स है इसका हम एहतजाज इसका निषेध करते हैं और इसकी चौकसी इसकी इंक्वायरी तह तक होनी चाहिए. इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी तंजीम और कौन सा पक्ष है और इसने ऐसा क्यों किया, इसकी पूरी चौकसी होने के बाद ये कोर्ट ये केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए और जल्द से जल्द इस नालायक इंसान को फांसी की सजा दी जाए ताकि हमारे मुल्क भारत का जो सेकुलरिज्म है उसको जो ठेस पहुंचाने का काम किया है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए. आज हमने जलगांव के तमाम मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर ये गुजारिश की है और हम सब यहाँ पर एक साथ एकत्र रहना चाहते हैं.